देखिए मैं इसमें खड़ा हूँ गोला कोतवाली में। यहाँ पर अपना दल के अध्यक्ष जी भी खड़े हैं, कपिल जी भी खड़े हैं अपना दल के, और उन्होंने आज गोला कोतवाली के सुनील दुबे से बहस भी की, बातचीत भी हुई, क्योंकि कल जो रिंकू का जो आज हत्या हुई थी उसको लेके यहाँ पर काफ़ी गर्मा गर्मी रही, उसी में अध्यक्ष जी आए। सर क्या रहा निष्कर्ष यही निकला है, कोतवाल साहब बातचीत हुई है, जो दोषी हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो भी विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाई जाएगी, की जाएगी। क्या अभी जो कैलाश गिरी है वो पकड़ा गया नहीं? अभी पकड़ा नहीं गया है, पकड़ा जाएगा, वो भी पकड़ा जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा वो पकड़ा जाएगा, जेल भेजा जाएगा वो। सर आप क्या कहना चाहते हैं? बात हुई इंस्पेक्टर साहब से, अध्यक्ष जी ने बताया आपको भी, वो FIR दर्ज हुआ है और विवेचना चल रही है, जो भी दोषी होंगे उनको पकड़ा जाएगा, कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। देखिए अभी आप अपने दल के अधिकारियों को भी सुन रहे थे, कार्यकर्ता भी आज लगे रहे यहाँ गोला कोतवाली के अंदर, और उन्होंने अपनी बात भी रखी और पीड़ित परिवार को लेके भी गए। हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती NM न्यूज़। मैं इसमें खड़ा हूँ गोला कोतवाली में। रिंकू हत्या को लेकर चौराहे पर धरना रखा गया, वहीं पर कांग्रेस नेता प्रहलाद जी भी पहुँचे गोला कोतवाली में। सुनील कुमार दुबे से बहस भी हुई और काफ़ी बातचीत हुई कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ बताए, यहीं पर प्रहलाद जी हैं। सर क्या निष्कर्ष निकला? देखिए निष्कर्ष तो पीड़ित पक्ष भी है, पूरा परिवार भी है, हम लोग भी आए यहाँ, सुनने में तो यही आया है कि अकारण कोई प्लान नहीं था, अकारण घटना घटी, बच्चों बच्चों में लड़ाई हुई, लड़ाई में जो भी मारपीट हुई वो मारपीट से उसकी मौत हुई है, मौत की PM रिपोर्ट हुआ है, PM रिपोर्ट के आधार पर जो भी डॉक्टर रिपोर्ट में आएगा उसके अधीन ही हमने इंस्पेक्टर साहब से बात की है, हमने भी बात की, हमारे कई वरिष्ठ समाज के और भी नेता मानी सुर जनरल वर्मा जी हैं, कपिल वर्मा जी हैं, राजीव पटेल हैं, एक दर्जन से ज़्यादा हमारा प्रतिनिधि मंडल यहाँ है सामाजिक स्तर से, तो हम इस पीड़ित पक्ष के साथ में हैं, लेकिन विधिक कार्यवाही जो भी है इनकी तहरीर के आधार पर, FIR के आधार पर और PM रिपोर्ट के आधार पर आश्वासन दिया है, परिवार की सुरक्षा की हमने अपनी तरफ बात रखी कि परिवार में दहशत ना रहे, मोहल्ले में थोड़ा गश्त बढ़ाई जाए। कैलाश गिरी अभी पकड़े गए हैं? नहीं पकड़े? नहीं, इस पर मेरा कोई कमिटमेंट नहीं, हम लोग मौके के नहीं, जो पीड़ित पक्ष कहेगा वही मुलजिम बनेगा, वही पकड़ा जाएगा। देखिए अभी आपकी बात हो रही थी कांग्रेस के नेता प्रहलाद जी से, उन्होंने आज सुनील कुमार दुबे से बात की और पीड़ित परिवार को भी लेके गए और अपनी बात उनको रखी। तो मारा किसने उसको? तो ऊपर से गिर गया क्या? होगा जिसमें अभिनंदन नहीं लिखा, मुंह पे कहा मैंने नहीं लिखा, सीओ साहब ने भी नहीं लिखा, सीओ साहब तो ऐसी थे ना, उन्होंने भी नहीं लिखा। अच्छा, हमारी उसका बुरा मान के आप बैठो बैठो, आप भी आए थे एप्लीकेशन लेकर मेरे करने लायक नहीं था, मैंने आपको मुंह तो मना कर दिया था कि भाई ये मेरे काम नहीं है, वो सीओ साहब काम है करेंगे, और मैं प्रयास करता हूँ मैं निष्पक्ष रहूँ, ठीक है? वो बातें बड़ी जगह, फिर उसके बाद आप ऐसे कीचड़ फेंकोगे तो अच्छा लगेगा। ये किसने अभी परसों की ही कम की हिसाब की आपकी बात थी, आपने पहली राय नहीं देते, आप कहते हैं जो है ये सब हो रहा है, अब बाकी चीजें एक महीने में दो कोड़ी मार दी है। फिर इसके घटना का पूरा क्लियर है ना, क्या है उस घटना का भी पूरा क्लियर है ना? वो एजेंसी अगर पुलिस की कही हो, आप हमसे कह रहे हो तो हमसे तो इशारा करो, मैं यहाँ पुलिस उत्तर हूँ, उसमें नेग्लिजेंसी अगर कहीं पूरे क्या तबाह कहो तो बात ठीक है, और फिर बिरादरी की बात करना ये हो गई खाली बिरादरी बात नहीं करना, हमें पहले नहीं मतलब है आप जो कहे, मैं समाज से मतलब मेरी नाराजगी क्या है, मेरी नाराजगी तो यही है ना, मैं उसी समय कहा जिससे आप अभी कह रहे हैं एक महीने में दो कुर्मी के साथ घटनाएं हो गई, दो कुर्मी बात नहीं दिए गए संयोग से, एक बात नहीं है, ठीक है? दो कुर्मी के साथ घटनाएं हो गई, इस फैक्ट से आपको पता है PM में गए होंगे कुछ लोग, फैक्ट आपको पता है क्या है? बात ना, बिना तथ्य जाने हम बहस मेरी बात सीओ साहब परवीन जी जगह पर है, वो वहाँ पर क्राइम ही खत्म करके आए हैं, ये तो गोला कुछ नहीं इनके आगे है।
ये समझ लो, यही चाहते हैं वो तुम्हारी बात को समझ रहे हैं, ऊपर के भी लोगों को समझ रहे हैं। बात क्या, तुम्हें न्याय दिलाने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन बात क्या, प्रशासन के लिए एक अलग से जिम्मेदारी, उनका भी एक गाइडलाइन होता है भाई। इधर सावन भी चल रहा, कल आप लोगों ने जाम किया, कितना आदमी फंस गया वहाँ, देखिए जे यहाँ गोला में छोटी काशी शंकर जी ने न्यायाधीश के लिए इनको यहाँ बुलाया, और इन्होंने बहुत ऐसे ऐसे इच्छा का, जो तो गोला कुछ नहीं इनके लिए, यहाँ है ही नहीं अपराध, अपराध खत्म करके यहाँ बस ये है, जो तुम्हारी बात है तुम्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा बस, जैसी तुम खुश ही हो साथ के साथ, बात हमें न्याय मिल गया। दूसरी बात सही है, इसका ही लड़का ऐसा था जो घर की दिनचर्या चला, पूरा इकलौता कमाने वाला था, इकलौता कमाने वाला था। जो लोग अगर परेशान है, दुखी है, तो इनका कारण ये लोग नहीं वक्त है, इनका नाम लेकर हमारे बच्चा तो आएगा नहीं, मुझे वो सजा मुंडी के पक्ष में जाएगा, चार दिन बाद जमानत देने का अधिकारी हो जाएगा, हमारा दायित्व नहीं आपको हम थोड़ा सा बताए उसमें एक दिशा, ये पता करना अपराध है, इसलिए बात भी यही आरोप करा था, मैंने कहा कि आप लोग यहाँ पे लोकल रहने वाले हो, अगर उसके नाते रिश्तेदारी या कहीं करीबी किसी का पता लगे तो बता देना हमें, हमें मदद मिल जाएगी, हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। इस पर आरोप लगा कि आप तो हमसे कह रहे हैं तुम पकड़ लो, ये गलती है हमारा कहना, जानकारी होगी हमारी गलती है, इसका एलिगेशन लगाया गया कि कोतवाल जो कह रहे हैं कि तुम पकड़वाओ, अगर हम आपसे मदद मांगते हैं पब्लिक से ही हाथ मांगता है, हमारा घर पब्लिक से ही रिलेशन है, पब्लिक से ही मांगते हैं, मतलब हमारी गलती थी, इस पर लोग फायर होके लिए कर रहे थे, क्या तो कह रहे थे पकड़ के ले आओ, दबिश गई, अगले दिन मेला था, और मेले में कम से कम 35-40 घंटा पुलिस खड़ी रहती है, उसके एक दिन जस्ट पहले की बात थी, जानकारी हुई तो फोन किया, तुरंत लोकेशन लेकर के हम लोग कुआं भेजे, पूरी दोपहर वाली लिखी थी, दोपहर वाली जो पहले वाली जो पहले वाली करी ना, तो उससे पानी लिखा, और भेजी को तेरे को नहीं मिले कहा, रात को भेजा, संतोष की बात थी, हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, बदले के हित को नहीं होगा, ठीक है, और मुझे हमारे कोई पैसे रिश्तेदार हमारे घर के नहीं है, लेकिन इसलिए मैं काम करूँ इसलिए मुझसे साबित नहीं कर सकता, लेकिन वो तारीफ तो उपाधि की है, और हर आदमी जानता है, और रात के 12 बजे से लगातार हम प्रयास करते रहे, आप ही लोग जो मुकदमा देखते हो साबित करना पड़ता है, घर से कितनी दूरी है, घटना की दूरी के बाद